कैसे जिए इस देश में लाडो, कब रुकेगा हैवानियत का सिलसिला। नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। झारखंड में आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल, कैसे जिए इस देश में लाडो। पहले चतरा में रेप के बाद एक नाबालिग लड़की को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिंदा झोंक दिया गया, और इसके बाद पाकुड़ में भी एक नाबालिग लड़की से रेप किया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए उस लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। लगातार इस तरह की हो रही घटनाओं ने, इस तरह की हो रही वारदातों से बेटियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े दिए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी साफ कर दिया है कि हैवानों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। में दोहराया गया चतरा कांड, दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हत्या की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बेटियों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। चतरा कांड को बीते चंद घंटे ही नहीं हुए कि पाकुड़ से भी ऐसी ही घटना सामने आई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की को जलाकर मारने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से जलाई गई लड़की को पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के वक्त लड़की घर में अकेली थी। स्टेटमेंट लड़की ने बताया कि उसके साथ लड़का के साथ प्रेम प्रसंग था। परसों के डेट में जब लड़की के घर में कोई नहीं था तो लड़का उसके घर में घुस करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद जब लड़की जो चिल्लाना चाहिए, हल्ला करना चाहिए, तो लड़का ने उसके घर में रखे किरोसिन तेल उस पर डाल करके उसको जला करके हत्या करने का प्रयास किया है। हालांकि इस घटना में आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, कब तक बेटियों की आबरू इस तरह तार तार होती रहेगी, कब तक बेटियां दुष्कर्म के बाद इस तरह जलाई जाएंगी। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं पर जल्द लगाम लगाने की जरूरत है, ताकि वहशी अपने नापाक इरादों में किसी भी तरह से सफल ना हो और घर की शान पर किसी तरह की आंच ना आए। सुहन प्रमाणिक, सी मीडिया।